आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही यूजफुल टिप्स और ट्रिक लेके आई हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक न्यू वीडियो लक्ष्मी ब्लॉगर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छे टिप्स ट्रिक लेके आई हूँ। सबसे पहले जो कि यहाँ पे मैगी के ये पाउच हैं, और इनको जैसे दोस्तों हम एक या डेढ़ बना लेते हैं, कभी ये बच जाते हैं, तो इनको हम स्टोर किस तरह करें वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलो चलते हैं फ्रिज की ओर। तो दोस्तों क्या होता है ना, फ्रिज हमारा बहुत ही ज़्यादा कुछ ना कुछ सामान होता है, तो इस तरह हम फ्रिज में इसको जो हमारी कपड़े टांगने वाली चिमटी होती है उसको इस तरह इन पाउचों को हम लगा दें तो फ्रिज में हमारी और भी जगह बच जाती है। साइड से यदि हम रखेंगे तो वहाँ कुछ और चीज़ आ जाती है। आप चाहें तो दूसरे वाली चिमटी ले सकते हैं, क्योंकि ये वाली चिमटी जो है ना थोड़ा मतलब कि ज़्यादा लंबी नहीं होती हैं और दूसरी वाली लंबी होती हैं, लेकिन मैंने इससे आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ कि इस तरह मैंने यहाँ पे ये नमकीन का पाउच भी और मैगी का भी इस तरह हैंग कर दिया और आराम से मेरा फ्रिज बंद हो रहा है। मेरा तो फ्रिज छोटा है। तो यहाँ पे दोस्तों नंबर दूसरी टिप्स है मेरी इस सुई धागे को लेके। तो दोस्तों यदि मेरी कोई भी टिप्स और ट्रिक है आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, बेल घंटी और क्लिक करना ताकि मेरी हर वीडियो आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो दोस्तों क्या है ना, मेरी भी आँखें वीक हैं, तो मैं क्या करती हूँ, किसी से भी धागा डलवा के इसको मैं सुई पे इस तरह फंसा के रख देती हूँ ताकि मुझे कभी भी कुछ करना होगा तो आसानी से ये मुझे मिल जाए। तो इस तरह मैं रख देती हूँ, क्योंकि मेरी आँखों से भी अच्छे से धागा नहीं डलता है। ये तो मुझे बाहर जाना पड़ता है तब जाके मैं डालती हूँ, या तो मुझे कुछ और ट्रिक लेनी पड़ती है तब जाके मैं सुई में धागा डाल सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि जैसे कि धागा ना क्या होता है कि हम धागे की रील तो निकाल लेते हैं, धागा उतारते हैं, तो उसके बाद जो धागे का छोर होता है ना वो कहीं मिलता नहीं है कितनी बार। तो दोस्तों एक कट इस तरह लगा दिया, जैसे मैंने यहाँ पे ये जो मैंने ही बनाया था ये कंघी पे वो वाला ब्लेड वाला, तो उससे मैंने कट लगाया था एक साइड, और दूसरी साइड मैं आपको कैंची से कट लगा के दिखा रही हूँ। आप चाहें कैंची से लगाएं, या आप चाहें ब्लेड से लगाएं, या किसी चाकू की मदद से लगाएं। तो इस तरह यदि हम इस धागे को अच्छे से फंसा दें, क्या होता है ना दोस्तों, हमारे घरों में बुजुर्ग लोग भी होते हैं जिनकी आँखें वीक होती हैं। आजकल तो बुजुर्ग क्या बच्चों की भी आँखें काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई हैं, तो इस तरह इसको अच्छे से इसमें फंसा दें जो हमने कट लगा रखा। ज़्यादा बड़ा कट नहीं लगाना है कि जिससे धागा बाहर निकले, ऐसा कट लगाना है कि जिसके अंदर धागा चिपक जाए, और इसको तो बुजुर्ग क्या कोई भी निकाल सकता है, ये आसानी से निकल जाएगा और हमें आसानी होगी काम करने में। टिप्स अच्छी लगी हो तो लाइक करना। अगली टिप्स है दोस्तों मेरा यहाँ पे, जैसे क्या होता है अधिकतर हमारे प्रेशर कुकर के जो रबड़ होते हैं ना ये ख़राब हो जाते हैं। मेरे भी होते हैं और सभी के होते हैं जो भी प्रेशर कुकर यूज करता है। तो हम क्या करते हैं कि इन जो ये रबड़ होते हैं ये सोच के फेंक देते हैं कि ये किसी काम का नहीं है। तो दोस्तों आज के बाद ये फेंकना मत। आप चाहें तो इस रबड़ को बहुत यूज कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि इसका क्या यूज हो सकता है। तो दोस्तों जैसे कि हम कपड़े डालने वाली जो हमारी चिमटियाँ होती हैं इसको या तो हम डब्बे के अंदर या पॉलिथीन के अंदर या कोई और चीज़ लेके मार्केट से उसके अंदर रखते हैं, तो वो कहीं मिलते भी नहीं, कितने मतलब कहीं इधर उधर हो जाते हैं। तो इनको इस तरह ये जो हमारा प्रेशर कुकर का रबड़ है इसके ऊपर इस तरह इनको रखें, और बाथरूम में या कहीं पे भी किसी भी कील पे किसी भी चीज़ पे हैंग कर दें तो ये आसानी से दिख भी जाते हैं सामने, और आसानी से इनको हम यूज भी कर सकते हैं। तो ये वाली टिप्स आप लोगों को कैसी लगी? टिप्स अच्छी लगी तो लाइक करना। तो नंबर दूसरी टिप्स है दोस्तों इसी के साथ की, वही रबड़ वाली प्रेशर कुकर के रबड़ वाली
सॉरी, मेरी तीसरी टिप्स है दोस्तों, जैसे कि वही जो हमारा प्रेशर कुकर का रबड़ है, हम अधिकतर किचन में टाउल रखते हैं और इस तरह हम यदि टाउल को भी इस पे हैंग कर दें तो आराम से हमारा कहीं पे भी हम इसको टांग सकते हैं और हमारा किचन में हाथ पोछने के काम आता है ना टाउल, तो इस तरह मैं भी रखती हूँ। और आप चाहें तो जो प्रेशर कुकर का रबड़ है उसको किसी चीज़ से सजा भी सकते हैं। तो अगली टिप्स है दोस्तों मेरी, यहाँ पे है क्या ये, तो यहाँ पे जैसे कि छाता है, और छाता जैसे अधिकतर हम बरसात हो गया है और बरसात ख़त्म हो गई तो उसके बाद हमको होता है कि छाता रखना है इसको अच्छे से, मतलब कि ये ख़राब ना हो। तो इसके लिए हम क्या करें दोस्तों, इसके लिए हम जो ये छाते पे कोहरा ना लगे या कुछ और चीज़ ना लगे, तो उसके लिए हम अच्छे से इस पे जो पाउडर होता है, कोई भी पाउडर हो, उसको ऐसे छिड़क देंगे और छाते को हम अच्छे से लपेट के, या जैसे इसका कवर है, कवर तो इसका खो गया क्योंकि ये काफ़ी पुराना हो गया है छाता, तो इसका कवर के लिए भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग वीडियो के साथ बने रहना, तभी आप लोगों को पता चलेगा। तो इस तरह इसको अच्छे से हम लपेट देंगे और हम मतलब अच्छे से इसको पैक कर देंगे, जिस तरह हम कपड़ों को अच्छे से रखते हैं उसी तरह मैं इसको भी अच्छे से रख दूंगी। क्योंकि दोस्तों छाता हम लोगों के लिए बरसात हो या सर्दी में जो भी बारिश होती है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा काम आता है, तो इसको हमको अच्छे से रखना होता है। तो इस तरह इसको लपेट के, और मेरा जो ये इसकी चिपकन होती है ना, ये इसमें ख़त्म हो गया है क्योंकि ये छाता काफ़ी पुराना हो गया है, तो ये नीचे खिसक जाएगा। तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास घर में सभी के होते हैं पुराने रबड़ होते हैं, उनको एक दो इस तरह दोबारा ऐसे लपेट के डाल दो, तो आराम से छाता कहीं खिसकता भी नहीं है और हमारा छाता अच्छे से भी रह जाता है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि इस तरह मतलब रबड़ डाल दो, मैंने डबल कर दिया इसको, तो ये आराम से इसमें थोड़ा ढीला हो, ये रबड़ टाइट था, तो जैसे ढीले रबड़ होते हैं ना जिनको हम फेंक देते हैं, तो इस तरह ये मतलब हमारी काफ़ी चीज़ों में काम आ सकते हैं। मैंने और भी वीडियो बनाई हैं दोस्तों, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये मेरे पास मोजा था, एक मोजा इसका खो गया है, खो भी जाए या ना भी खोए, तो हम यदि हमें कोई चीज़ अच्छे से रखनी हो तो इस तरह हम इसको मोजे के अंदर डाल के, और ये अच्छे से आराम से हमारा छाता ख़राब भी नहीं होगा। तो आप लोगों को ये वाली टिप्स कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना, और कौन सी टिप्स एंड ट्रिक आप लोगों को अच्छी लगी मुझे ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।